अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज हमारा पियोन छुट्टी पर है तो राधा हम सबके लिए चाय तो बना ही सकती है, और अगर तुम इस टास्क में फेल हो गई ना तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। इसकी नौबत नहीं आएगी मैडम जी, सबको सबकी पसंद की चाय या कॉफी मिल जाएगी। हम काका जी से पूछ लेंगे। डोंट वरी मैम, मैंने पियून को बोल दिया है फोन नहीं उठाएगा। गुड, आज तुम गलती करोगी उसके बाद कैबिन के रास्ते तक पहुंचना तो दूर, तुम ऑफिस में कदम तक नहीं रख पाओगे। ये क्या हो रहा है यार? मुझे क्या दानी सही कह रही थी कि क्या मैं सच में भूल रहा हूँ कि राधा से मेरा रिश्ता सिर्फ 6 महीनों का है? राधा तुम्हारी बीवी है लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए ना, कि अब तुम्हारा भी मूड बदल रहा है। शादी का वादा किसी के साथ और शादी किसी और के साथ, कुछ भी करने से पहले ये कभी भी मत भूलना कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने वो किया जो तुमने मेरे साथ किया है तो तुम्हें कैसे लगेगा? उससे शादी का वादा एक बार नहीं बार बार करके उसे अधूरी दुल्हन बनाकर छोड़ दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि पति बनने के सारे सारे खाल अब दामनी को मिलेंगे। मैंने कहा था धामनी से कि मेरी पत्नी कहलाने का सिर्फ उसी का हुआ, क्या मैं धामनी से उसका हक छीन रहा हूं? हे भाग्य बिहारी जी, काका जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब क्या करें? अब कैसे पता चलेगा कि कौन क्या पीता और कैसा? ये सब तो है पर कैसे बनाए? ग्यारह बज रहे हैं, सबने सुबह वाली चाय कॉफी तो पी ली होगी। बाकी प्यार जी हमारी रक्षा करिएगा, हमारे साथ दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप हमें इस दफ्तर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर हम भी ठान कर आए कि आपके कमरे के उस राज को जानने और उसका तुलसी जीजी की मौत के साथ क्या लेना देना है, इसे जाने बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। और उसके लिए कॉफी चाय तो क्या, हमें संजीवनी बूटी भी लानी पड़ेगी, वो भी लाएंगे। अंग्रेजी आना बहुत अच्छी बात है पर ना आना कमजोरी नहीं है। हम मानते हैं कि हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ हैं। वैसे दामिनी मैडम जी, हमें अंग्रेजी की वर्णमाला भी आती है, सुनाए क्या? और आप सबको बता दें कि इस टेबल पर रखी लगभग सारी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं। किसी भी इंसान की शिक्षा इससे नहीं आंकी जाती कि उसे कितनी भाषाएं आती हैं, बल्कि इससे आंकी जाती है कि उसे कितना ज्ञान है।
हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी तो अंग्रेज ले आए थे, और सिर्फ हिंदी ही क्यों, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की सुई अंग्रेजी पर अटकी रहती है। अरे अंग्रेजी में तो मामा, फूफा, चाचा इन सबका रिश्ता समझ ही नहीं आता है, सबको अंकल अंकल बोल देते हैं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता, सबको यूं कह देते हैं। पर हमारे देश की भाषा, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा, सीधी सरल और आसानी से सीखी जाने वाली भाषा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जिसका इतिहास सालों पुराना है, हजार साल पुराना, और हिंदी के गद्य, पद्य, छंद, निबंध, इन सबको पढ़ने में जो रस है, वो अंग्रेजी में कहा। और आप सबको एक बात जानकर बहुत अचंभा होगा कि अंग्रेजी के न जाने कितने शब्द हिंदी से उठाए गए हैं, जैसे कि अवतार, कर्म, बंगला, गुरु इत्यादि। लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। आप सबको पता है दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें से 45 विश्वविद्यालय तो अमेरिका के हैं। और इतना ही नहीं बल्कि विदेश के 25 से भी ज्यादा पत्रिकाएं हिंदी में निकाली जाती हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।